पूरे गुजरात में आपके सोने की पराकाष्ठा यह है। खासतौर से मैं उन हिंदूवादियों को कह रहा हूं जो सुबह से लेकर शाम तक दे प्रवचन, उनसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कम से कम उन्होंने कहा कि भाई हम समाज में जागृति लाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो कभी हम भी सुन लेते, कभी हमारे कानों में आ जाती, यार ये कुछ भी हो लेकिन ये कुछ काम तो इन्होंने ऐसा किया है जो बता दिया है। एक मंदिर जिसके लिए इतना युद्ध हुआ, वो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। उस मंदिर के पीछे की जमीन जो मंदिर से लगी हुई है वो वक्फ बोर्ड की हो गई है, पंडों को पता ही नहीं है, वो अपने भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। उनको बस पैसा कितना आया, अन्यथा मत लीजिए मेरी बात को, लोग बड़े दूसरे कंडस में ले जाते हैं। आप पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, आपके मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड में चली गई, आपको पता नहीं चला, यह बताने के लिए कोई और आएगा तो आप क्या कर रहे थे, घंटी बजा रहे थे सिर्फ? या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप पूरे हिंदुस्तान में किसी मजार की जमीन, किसी मस्जिद की जमीन लेके दिखा दीजिएगा मुझे, क्योंकि वहां सामूहिक समाज चिंता करता है। सूरत नाम की जगह है, सूरत में अभी इसी दौर में चुनाव से पहले 3-4 मेरे दौरे हुए, सूरत में खरब खरब पति लोग रहते हैं। और ताज्जुब यह बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप सोचें कि किस लेवल पे, या तो कंप्रोमाइज हो गए हैं या कोई और वजह है, या इतने डर गए हैं कि उन्होंने कहा जो हो रहा है वो हो जाने दो। सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उस कॉरपोरेशन की जो चेयरपर्सन थी उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया बीच इलेक्शन से 2-3 महीने पहले, इलेक्शन अनाउंस भी नहीं होते। मैं घंटों ये सोचता रहा दिल्ली से लेकर सूरत तक, या तो ये बेचारी महिला इनोसेंट है, या इसको पता नहीं है, या इसको लगता है पुष्पेन जी की स्पीच देने से कोई फायदा हो जाएगा। उन्होंने मुझे बुला लिया और बहुत पूरा हॉल भरा हुआ था। आप जानते हैं कि मैं माफ किसी को नहीं करता, ये माफी माफी का चक्कर नहीं कि ये मेरे हैं तो मैं इन्हें बख्श दूंगा, ये मेरे इसमें कोई नहीं, जो भारत राष्ट्र का है वही मेरा है, जो नहीं है वो नहीं है। वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी करोड़पति हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रवादी हो, अगर वो दलालों के साथ खड़ा है तो मेरे लिए वो राष्ट्रवादी नहीं है। मैं इसमें किसी को माफ नहीं करता। 4-4, 5-5 बेचारे एमएलए बैठे हुए थे सामने, तो मैंने तो पहले उनको बड़ा, मेरे दिमाग में था कि शायद इनको कुछ पता होगा, लेकिन मैंने कहा आप बहुत बहादुर महिला हैं, आपने मुझे बुलाने का रिस्क लिया है और सुना है कि 4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, उनके मन में रहा होगा कि मेरे आने से शायद कुछ हो जाए, ऐसा कुछ होता होता नहीं, मेरे जाने से कुछ होता नहीं भाई। जब मैंने उनसे मंच से सवाल करना शुरू किया और 4-4, 5-5 एमएलए जो बिल्कुल बैठे हुए थे कि आज तो शाम को हो गया राष्ट्र, सुबह टिकट पक्की, मैंने कहा मैं जो कुछ बोलूंगा उसमें आपकी टिकट कट जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब वो बेचारी ना कर सकती थी ना हां कर सकती थी। आपको सोने की पराकाष्ठा बता रहा हूं मैं, या तो डेलिबरेट इग्नोरेंस है या कोई और खेल है सिर्फ पैसे का। सूरत का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वक्फ बोर्ड के अंडर में आ गया है और उसकी चेयरपर्सन को नहीं पता, 5-5 एमएलए बैठे उनको नहीं पता, काहे के लिए हमें बनते हो यार? कम से कम जिनको आप कहते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाले हैं उनको पता है पंचर कहां करना है और पंचर कहां लगाना है। कम से कम वो अपने एजेंडा, गलत सही कुछ भी हो, अपने एजेंडे के प्रति निष्ठावान तो है, वो गलत ही हो, आप अपने किसी एजेंडे के प्रति निष्ठावान नहीं है, कमिटेड नहीं है। खबरें छप गई, मैंने कहा ये खबर तक छपी, और उसी सभा में उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लीगल एडवाइजर भी बैठे थे। मैंने कहा आपने क्या एडवाइस दी? बोले मुझे पता ही नहीं है। यानी कहां से शुरू करें हम? इसलिए आज की डेट में मैं मानता हूं कि आप सिर्फ सच बोले, ये सच किसी को भी बुरा लगे तो ये सोच के बोले
कि जिसे लगना है लग जाए, हम सबको एक ना एक दिन यहां से जाना है, उसका समय तय है, कब जाना है कैसे जाना है ये पता नहीं है, लेकिन सनातनी ये मानता है कि जो आया है उसको जाना है। जाने से पहले 10 कमरों का मकान, बेटा बहुत बड़े पैकेज में अमेरिका में, बहुत बड़ा फार्म हाउस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये किसके काम आने वाली हैं ये तय करिए। इसलिए जब तक जिंदा हैं, जिंदा होने का सबूत दीजिए, और अपने उस बेटे बेटी जिसको आप मिनरल वाटर पिलाते हैं, जिसको आप पोल्यूशन से दूर रखते हैं, जिसमें प्योरीफायर लगवाते हैं, यह ध्यान रखिएगा कोई बचने वाला नहीं है। हम इतने डीप स्लंबर में हैं, यह कानूनों की बात है। उन्होंने पिछले 70 सालों में आपकी कमजोरियों को पकड़ा है और उनको पता है कब कहां क्या करना है। इसलिए 95 करोड़ गिनती में हो सकते हैं, बीच राज्यों में सरकार हो, अनेक अनेक हिंदू संगठन हो, फिर भी मई 2014 से दिसंबर 2021 तक हमारी टीम ने कैसे करा होगा ये मत पूछिएगा। पूरे देश में 266 सनातनी हिंदू मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में मारा गया है, और उसके बावजूद भी नुपुर को धमकी दी तो नुपुर बिचारी अंडरग्राउंड है, कमलेश तिवारी की सड़क पर हत्या हो जाती है, लेकिन राष्ट्रवादी ठेकेदार बोलते नहीं है, एक मुंह से शब्द नहीं निकलता है। बल्कि अब तो एक नया बयान आया है, ए मुसलमानों तुम डरो मत, हिंदुस्तान में तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। कहां हैं आप, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? 2011 का सेंसस बताता है कि भारत के 29 राज्यों में से आप 9 राज्यों में ना के बराबर हैं। कब तक चलेगा ये? कौन बचाने आएगा आपको? या सारे पूरा देश छोड़ के अमेरिका और फ्रांस भाग जाएगा? जो लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ देते हैं उनके लिए दुनिया कम पड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। हम उस जानवर से भी शायद बदतर हो गए हों जो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए अंत तक लड़ता है। हम इस पलायनवादी मानसिकता में हैं, चलो यार यहां बहुत बुरा हाल हो गया है, अच्छा वहां चलते हैं, फिर वहां से 20 साल के बाद लात पड़ी तो हम वहां चलते हैं, अब कहां जाएंगे, हिंद महासागर के किनारे बैठे हैं, कहां जाएंगे? इसलिए कश्मीर जब हुआ था तो कोई बोले ही नहीं, वहां क्या यार वो सब ऐसे क्या करना है, यहां तो सब ठीक है ना, बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ है, ताला डला है, एक हमने गार्ड रखा हुआ है 1500 रुपए में, वो बचाएगा हमको? हम तो इस गलतफहमी के शिकार हैं। कश्मीर के कश्यप ऋषि के वंशजों को भी ये गलतफहमी पैदा हो गई थी कि महाज्ञानी हैं, पैसे वाले हैं, उनकी हत्याओं में 99% उनके पड़ोसी शामिल हैं, और आपको बताने के लिए कि भारत के एक हिस्से में जो कश्यप ऋषि का इलाका कहलाता है, जहां हिंदुत्व के तमाम पंचतंत्र से लेकर सबकी कहानियां लिखी गई, उसको उजाड़ दिया, उसको बचाने के लिए, बताने के लिए एक विवेक अग्निहोत्री नाम के हमारे मित्र को फिल्म बनानी पड़ी कि भाई कुछ कर्नाटक के लोगों को भी पता चल जाए कि ये 1990 में ये हुआ था। दुनिया में हो सकता है कोई समाज इतना इतना लालची और मूर्ख भी हो सकता है? तब हमको पता चला अच्छा कश्मीर में ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद सो गए, फिर बंगाल में हो गया। हम सब कुछ चाहते हैं सरकार करे, सरकार नहीं करती, सरकार सिर्फ ताकत के सामने झुकती है, ध्यान रखिएगा। शाहीन बाग बना कि नहीं बना, 92 साल की महिलाएं, नानी दादी बैठी कि नहीं बैठी, उसके बाद की कहानी पता है? नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 फिलर भेजे कि आप इस धरने को बंद कर दीजिए, उनका सुप्रीम कोर्ट की औकात क्या है भाई,
यह हमारे एग्जिस्टेंस का मामला है, नहीं मानी बात। सच बताऊं आपको, जिस कारण से शाहीन बाग हुआ था, उन्होंने अपना वो एजेंडा, वो टारगेट, वो एम, वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया।